सारा आप लोग का सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यहीं पर आप लोग का चेस्ट नंबर सारा कुछ दिया जाएगा। तो आप लोग भी आइएगा तो आप लोग के साथ सेम प्रोसेस होगा। सर जवाहर साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद JA09 में। तो आज हम लोग आ चुके हैं बोकारो का मंगलम स्टेडियम, जहाँ बोकारो होमगार्ड का भर्ती चल रहा है। और ये भाई अभी दौड़ के निकले, इनसे जानते हैं कि अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे कैसे रनिंग लिया जा रहा है, सारा कुछ इस वीडियो हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो भाई अपना नाम बता दीजिए पहले। परशुराम। तो मतलब आप नावाडी से आप लोग सब आए हैं ना, तो अंदर मतलब कैसा रनिंग कैसा हो रहा है? रनिंग ठीक हो रहा है लेकिन टाइमिंग का पता नहीं चल रहा है। मतलब रनिंग हो रहा है लेकिन टाइमिंग का पता नहीं चल रहा है, मतलब कि अगर अनाउंस होता टाइमिंग का तो उसमें कैंडिडेट को पता चलता कि कैसे मतलब हमको टाइमिंग के अनुसार थी। अच्छा, ठीक है। मतलब कितना इसमें दौड़ाया जा रहा है? दौड़ इसमें 6 मिनट। 6 मिनट का टाइमिंग दिया, मतलब जो एक बैच में कितने कैंडिडेट को अंदर दौड़ाया जा रहा है? 50-60। 50-60, उसमें कितने एक्सीलेंट मार रहा है? एक्सीलेंट वाला एक्सीलेंट अभी तो जैसे ये 10 बजे के बाद जैसे धूप तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसमें एक्सीलेंट। तो आप लोग कौन सा बैच के हैं? हम लोग मतलब कौन सा बैच में आप लोग घुसे थे? फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच? हम लोग कुछ हम लोग से पहले भी। टाइमिंग मतलब क्या था आप लोग का एंट्री का? 10:30 बजे। 10:30 बजे एंट्री था। अभी तो बहुत ज़्यादा धूप हो गया, दौड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अच्छा, अभी जो बारिश हुआ था यहाँ पर, जो सितंबर में चल रहा था दौड़, जब बारिश हुआ था तो ग्राउंड तो पूरा ख़राब हो चुका था। तो अभी बताइए कि ग्राउंड किस तरह का है? अभी ग्राउंड अच्छा है। तो ग्राउंड अच्छा है, मतलब जब बारिश हुआ था पूरा गड्ढा उड्ढा बन गया था, तो अभी दौड़ने में कैंडिडेट को प्रॉब्लम नहीं हो रहा? प्रॉब्लम तो सब अच्छा से बना हुआ है ना। चलिए ठीक है, चलिए थैंक्स। तो आइए और भी भाई से हम लोग जानते हैं कि उनका फिजिकल कैसा हुआ। तो भाई अपना नाम बता दीजिए पहले। हमारा जवाहर महतो नाम हुआ। आप लोग नावाडी से कहाँ से? नावाडी तिलाटांड से हम लोग। चलिए बहुत अच्छा है। तो आप अंदर का मतलब फिजिकल कैसा हुआ? ठीक हुआ, थोड़ा सा मतलब 1 सेकंड का देरी हो गया मेरा। सो मतलब कंप्लीट करने में आपको 1 सेकंड के लिए? अंदर चल गए थे, उसके बाद मेरा चेकिंग हुआ, उसके बाद बोल देता कि फिर हम रीचेक किए, रीचेक उसके बाद बोल देता कि 1 सेकंड तुम्हारा लेट हो गया, 1 सेकंड देरी से रुका तुम। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट अभी, इससे पहले भी हम लोगों ने पूछा, कुछ कैंडिडेट से बता रहे कि सबको 1 सेकंड 2 सेकंड से ही छाड़ दिया जा रहा है। हाँ, इसी तरह हो रहा है सब। तो सब इसी तरह वीडियो देख रहे हैं, उनको बताइए कि शुरू से जब आपका एंट्री हुआ उस टाइम से लेके अभी जब बाहर आप निकले, तो क्या प्रोसेस रहा, सारा कुछ बताए, ताकि जो भी कैंडिडेट अभी आएंगे अगला प्रखंड का दौड़ने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और कोई क्या 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 डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं ये भी बता दीजिए। डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड लग रहा है और एडमिट कार्ड लग रहा है, और जो निकालेगा उसके बाद डॉक्यूमेंट्स तो रहे जातिवासी है, फोटो वोटो जो मतलब के टाइम से क्या क्या डॉक्यूमेंट? आधार कार्ड और एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। एडमिट कार्ड वही जो रजिस्ट्रेशन स्लिप था। हाँ, रजिस्ट्रेशन स्लिप बस वही। तो उसके बाद मतलब क्या, जब अंदर ले जाया गया उसके बाद आप लोग साथ क्या प्रोसेस हुआ? चेकिंग होगा एडमिट कार्ड, उसके बाद देखेगा क्या आपका रजिस्टर नाम है क्या नहीं, मतलब वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि आप ही हैं कि आपकी जगह कोई और दूसरा हुआ है। ठीक, उसके बाद ग्राउंड में आप लोग को कब ले जाया गया, मतलब जैसे आप लोग को अंदर घुसाया गया उसके बाद वहाँ पर जब वेरिफिकेशन हो उसके बाद? 10 मिनट बिठाया, उसके बाद फिर अंदर लगा, फिर आधा घंटा जिसने बिठाया ना बिठाया, मतलब वेरिफिकेशन होने के बाद फिर से ग्राउंड पास जाके आधा घंटा आप लोग को वेट कराया। ठीक है, उसके बाद मतलब जब रनिंग कराया जा रहा है तो कितना कैंडिडेट को एक बार में मतलब दौड़ाया जा रहा है? 52 लड़का। मतलब 52 लड़का है, उसमें से रनिंग में कितना क्वालिफाई किए हैं? 10 गोल लिया। बस 10? 10। इसमें टाइमिंग मतलब कितना दिया जा रहा है? सुन रहे हैं कि टाइमिंग में बहुत लोगों को छाटा जा रहा है। हाँ, टाइमिंग में वो छाटा जा रहा है, 6 मिनट देता है, मगर अब आप क्या बोलो, छोड़ दीजिए अब जो मतलब जो है सर, ठीक है। अच्छा, 1 सेकंड की देरी है। चलिए कोई बात नहीं। तो बताए कि इसमें एक्सीलेंट का 10 लिया जा रहा, मतलब गुड का भी लिया जा रहा है? गुड बहुत कम है, 1 ही ठो मिला अभी तक, उतना सुबह से हो रहा है, 1 ही ठो गुड लिया है। और जो अंदर का जो ग्राउंड था वो तो बारिश की वजह से बहुत ख़राब हो चुका, तो अब कैसा है बता दीजिए? अच्छा, बहुत अच्छा है, ताकि जो भी कैंडिडेट अभी आएंगे दौड़ने के लिए, ताकि उनको भी लगे कि हाँ ग्राउंड अब अच्छा है या नहीं है। तो आप ही लोग दौड़े हैं तो आप बता दीजिए। ग्राउंड अच्छा है, बहुत अच्छा है, अभी पहले से बहुत अच्छा हो गया है। तो अंदर में मतलब कुछ चीज़ का सुविधा है, जैसे वॉशरूम का हो गया, पानी सब का? सब कुछ, पानी वॉशरूम सब कुछ है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अब इस बार नहीं तो नेक्स्ट, इससे अच्छा पोस्ट आपके लिए होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। यहाँ तक आइए, हम लोग कैंडिडेट से जानते हैं कि कैसे कैसे उनका फिजिकल हुआ है। ठीक है, तो आप लोग का हो गया दौड़? हाँ हो गया। मतलब कुछ थोड़ा 2 मिनट? नहीं नहीं, बस आप लोग का हो गया भाई? आप लोग का दौड़ हो गया है, तो थोड़ा कुछ हम कहीं थोड़ा से साइड में आइए ना, भी आप भी आइए ना। तो आप बताइए कि एक बैच में कितना कैंडिडेट को दौड़ाया जा रहा है? वही लगभग 50। एक बैच में 50 से दौड़वाया जा रहा है, तो कितना इसमें पास कर रहे हैं?
लगभग जैसा दौड़ रहा है, कोई किसी में 10 किसी में 20 लड़की लोग ज़्यादा पास कर रही है। अच्छा, लड़की लोग ज़्यादा पास कर रही है, ठीक है। तो जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या क्या लिया जा रहा है अंदर? वो आधार कार्ड लिया जा रहा है और जो एडमिट कार्ड रहता है जो पहले दिया है रिसीविंग। हाँ, जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वही एडमिट कार्ड है, ठीक है। और अंदर में क्या प्रोसेस चल रहा है? बढ़िया अंदर में। और कैसे जब फिजिकल कितना दौड़ कितना इसमें कराया जा रहा है? 6 मिनट में दौड़ना है ना? हाँ, 6 मिनट दौड़ना है। तो आप कितना रन कंप्लीट किए थे? रन मेरा मतलब कितना राउंड आप कंप्लीट किए थे? हम लोग 4th रन में थे, थोड़ा सा बची। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप और अच्छे से कीजिए तैयारी नेक्स्ट टाइम। दोस्तों यहाँ पर देख सकते होंगे कि यहाँ पर कैंडिडेट को यहाँ बैठाया जा रहा है, यहाँ पर आप लोग का वेरिफिकेशन होगा, जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग को मांगा जा रहा है, जैसे आधार कार्ड हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप हो गया, यहीं पर सारा आपको चेक होगा, आपको अंदर बैठाया जा रहा है और यहाँ लाइन लगाया जा रहा है, आप लोग का सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यहीं पर आप लोग का चेस्ट नंबर सारा कुछ दिया जाएगा। तो आप लोग भी आइएगा तो आप लोग के साथ सेम प्रोसेस होगा। अंदर जाना हम लोग का अलाउ नहीं, तो इसलिए मैं आप लोग को बाहर से दिखा रहा हूँ, और अंदर जाने का परमिशन नहीं दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, और यहाँ पर सबके हाथ में अपना डॉक्यूमेंट्स है, और यहाँ पर आप लोग देखिए साथ में ही आपका वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहीं पर आप लोग का होगा। तो आप लोग आइए और अच्छे से अपना फिजिकल दीजिए, ठीक है। हम लोगों ने आपको बता दिया है कि कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, और कितना टाइमिंग दिया जा रहा है, और अंदर में क्या प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।